हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के साथ। ध्यान से देखना इस वाली वीडियो को और ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा, पहले आई बटन से पीछे की सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लेना इस वाली वीडियो के साथ, फिर आप लोग क्या करोगे स्टार्ट करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर अभी तक आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं करा तो शैतानो पहले नोट्स को डाउनलोड कर लो एंड फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो के साथ। तो पहले पीछे का सारा कंप्लीट कर लेना फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करना। चलो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है वेयर हाउसिंग। क्या टॉपिक है सर? वेयर हाउसिंग। सर ये वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा, गोडाउन। गोडाउन तो वर्ड सुना होगा ना आपने। सर गोडाउन का मतलब क्या होता है? कि सर आपको चीजों को स्टोर करने की एक जगह, चीजों को स्टोर करने की एक जगह को क्या कहते हैं? गोडाउन बोलते हैं। लेकिन बिजनेस स्टडीज में उसको क्या वर्ड क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रोफेशनली वर्ड यूज करते हैं वेयर हाउसिंग। अब ये क्या होती है ना कि जैसे देख रहे हो आप यहां पे एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये छोटी सी बिल्डिंग नहीं बड़ी सी बिल्डिंग होती है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो? चीजों की स्टोरेज कर सकते हो। अब जैसे आप देखते हो फ्रूट्स वाले हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं, अब इनको कहीं ना कहीं इतनी सारी वेजिटेबल्स को क्या करना है? स्टोर करना पड़ेगा। अगर ये स्टोर नहीं करेंगे तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी दोस्तों? खराब हो जाएंगी। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपने क्या बना रखे हैं? बहुत सारे वेयर हाउसेस बना रखे हैं। गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं? वेयर हाउसेस, जहां पे ये लोग जाते हैं और बहुत कम प्राइसेस के अंदर अपने सामान को रेफ्रिजरेटर में, बेटा उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो वहां पर क्या होता है सर? फ्रिज लगा होता है। अब ये देखो जैसे स्मॉल वेजिटेबल्स वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, ये सर वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे पे करेंगे? तो ये गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस को रेंट पे लेते हैं, अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखते हैं, सुबह वहां से निकालते हैं और फाइनली उसको सेल करने के लिए निकल जाते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन हो जाती है तो सामान एकदम से तो हम कंज्यूम नहीं करते सर। कंज्यूम करने में क्या लग जाता है? थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसको बिकने में टाइम लग जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे ही आपने उगाई तो फटाफट फटाफट बिक जाएगी क्या मार्केट में? नहीं सर, बिकने में टाइम लगता है। दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो स्टॉक में रखते हैं, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है वेयरहाउस से निकालते हैं और फाइनली उसको जाके कस्टमर को क्या करते हैं दोस्तों? सेल करते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। तो स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है किस चीज के लिए? स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड प्रिवेंट, ताकि इनको लॉस ना हो, डैमेज ना हो, खराब ना हो जाए, ठीक है, रॉट ना हो जाए कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब हो गई। वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसिंग। से कौन सी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बिजनेसमैन की? स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। जैसे ही आपको गुड्स की जरूरत पड़ती है वेयर हाउस से जाओ, जितना गुड्स चाहिए उतना निकालो, जाके मार्केट के अंदर सेल कर दो, फिर वेयर हाउस में जाओ, फिर गुड्स को निकाल लो और क्या कर दो? सेल कर दो। प्राइसेस आर हियर बाय मेंटेन्ड एट अ रीजनेबल लेवल। तो प्राइसेस भैया एक रीजनेबल लेवल पे मेंटेन रहते हैं वेयर हाउसेस के, क्योंकि ये पब्लिक वेयर हाउसेस है, सरकार ने बना रखे है, तो ज्यादा ये लोग प्राइस चार्ज नहीं करते थ्रू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड। प्रॉपर यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों? आपका सप्लाई ऑफ गुड रहता है, जब मर्जी चाहे आप निकाल सकते हो। 24/7 यहाँ पर क्या रहता है सर? ऑपरेशन रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सर क्या होता है वेयर हाउस। लास्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर। सर बिजनेस करना है तो क्या करवानी पड़ेगी? एडवर्टाइजिंग करवानी पड़ेगी। एंड क्या मेंटेन करने पड़ते हैं पब्लिक के साथ? सर पब्लिक रिलेशंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखा करो वीडियो को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है ना क्या करना है, यहाँ पे देखो लिंक आ रहा होगा, सब्सक्राइब करना है आपको। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। एक और आपका नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, अब ध्यान से देखना सर क्या होता है। जब भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो क्या करनी पड़ती है सर? एडवर्टाइजिंग, है ना। आज की डेट में आप लोग यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, देख रहे हो कंपनी के कितने सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी बड़ी कंपनीज तो क्या करती है? ब्रांड एम्बेसडर्स, बड़े बड़े एक्टर्स को रखती है, शाहरुख खान को रखती है, प्रियंका चोपड़ा को रखती है, करोड़ों रुपए तो दोस्तों इनकी फीस हो जाती है। फिर उसके बाद आप प्लेटफॉर्म चूज करो, किस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड करना है सर। उस प्लेटफॉर्म पे उतने ज्यादा और क्या होते हैं सर? एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं यूट्यूब पे ऐड लगाता हूं तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अगर मैं न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के साथ। पहली लाइन देखो क्या लिखी हुई है, एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट यू पे फॉर। एडवर्टाइजमेंट क्या है? जिसके लिए आप लोग पैसे दे रहे हो। एंड पब्लिक रिलेशन इज व्हाट यू पे फॉर। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लो आपको मैंने एक प्रोडक्ट सेल करा, आप मेरे पास क्लास पढ़ने के लिए आए,
मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो मैं क्या चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप सेटअप हो जाए, ताकि आगे इन फ्यूचर में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करो, अपने दोस्तों को भी रेफर करो कि भाई जाओ सर के पास पढ़ो, सर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पब्लिक रिलेशंस। सर एक तो हो गया कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, और एक होता है कि मेरे कस्टमर्स खुद मेरी क्या कर रहे हैं सर, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, प्रेफर करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने एडवर्टीजमेंट से तो 100 कस्टमर्स तक पहुंच गई, लेकिन उन 100 कस्टमर्स ने उनको आगे हजारों कस्टमर्स तक पहुंचा दिया, बिकॉज सर उन्होंने क्या करी सर, अपनी पर्सनल मार्केटिंग कर दी, है ना। एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बताया, दूसरे कस्टमर ने तीसरे को बताया, तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रमोट करती है। सर्विसेज और आइडिया टू पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर्स। एंड मोटिवेट यू टारगेट कस्टमर्स टू रिकॉग्नाइज योर अकम्प्लिशमेंट। तो आप मोटिवेट करते हो अपने कस्टमर्स को कि भाई देखो आप मेरा प्रोडक्ट परचेज करोगे ना, तो आपको दूसरों वालों से इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताओ कि देखो मेरे प्रोडक्ट में ये अच्छा फीचर है, तो आपको मेरे प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए सर, कंसिडर करना चाहिए। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को बताना पड़ेगा। चलो, also there is a need to persuade potential customer. Persuade का मतलब क्या है, influence करना, मतलब उसको बार बार बोलना कि मेरा product purchase करो, मेरा product purchase करो, ये benefit मिलेगा। जब भी आप देखते हो किसी showroom में गए car purchase करने के लिए, तो वो आपको अपनी cars के 10 benefit बताएगा, और दूसरे जो competitors की car है उसके बारे में बताएगा कि देखो उसमें वो वाला फीचर नहीं है, ये हमारी कार में अवेलेबल है। इसको बोलते हैं persuade potential customers and buyers about the utility features। अपने फीचर्स के बारे में बताओ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, प्राइस बताओ, बोलो हमारा प्राइस कितना कम है, देखो कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट आर ऑलवेज अ पेड एक्टिविटी। एडवर्टीजमेंट दोस्तों पेड होती है, फ्री तो नहीं है। वेयर बिजनेस ऑक्यूपाई स्पेस इन प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया, तो आप प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के अंदर। नॉन प्रिंट मीडिया कैसे होगी, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और अ सर्विस। पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज ऑन द अदर हैंड आर नॉर्मली अनपेड। ये कैसी होती है, पब्लिक रिलेशंस अनपेड है। अब मैं आपको तो नहीं बोल रहा ना, अपने दोस्त को जाके बोलो कि मेरे कोचिंग क्लास को ज्वाइन करे। आप लोग क्या करते हो कि सर आपको सर्विसेज अच्छी लगती है, फिर आपका दोस्त पूछता है कि भाई तो ट्यूशन कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे नोट्स, कलरफुल नोट्स हमें भी बता दे, तो फिर आप उनको बता देते हो, ठीक है। वेयर बिजनेस एंटर्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या बोल जाता है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बन जाता है, जहां पर आपको भी बेनिफिट मिलता है, आपके फ्रेंड को बेनिफिट मिलता है, और मुझे भी क्या मिल जाता है दोस्तों, बेनिफिट मिल जाता है। तो ये क्या था आपका, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। तो देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, आप लोग को पहले क्या करना है, ऊपर आई बटन से पीछे सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लेना, फिर इस वाली वीडियो को आप लोग स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, एंड आई होप कि वो हमारा लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट टॉपिक तो नहीं है, उसके बाद हम लोग बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे। तो दो वीडियोज और आएंगी आपकी, एक तो बिजनेस रिस्क के ऊपर आएगी, ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।